पाखी के जाने के बाद अब सई और विराट की जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन कौन बनने वाला है, सत्या या फिर से भवानी? वेल, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि सई और विराट की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये बात भी पक्की है कि सई और विराट के मिलने के अब धीरे धीरे पूरे चांसेस होते जा रहे हैं और आप धीरे धीरे एपिसोड्स में भी देखने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सई और विराट की ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें अब सॉर्ट आउट होती नज़र आने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल भी बहुत बड़ा है, क्या सई और विराट की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा? यानी कि सई जो है वो आराम से विराट के पास चली जाएगी और विराट भी सई को बहुत अच्छी तरह से माफ़ कर देगा और ये सब कुछ होते हुए देख लेगा सत्या, या फिर भवानी जो है इसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड ऑन करेगी? क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि भवानी एक वक्त में सई से कितनी ज़्यादा नफरत करती थी। इतनी नफरत करती थी भवानी कि अगर पत्रलेखा को किसी ने सिर पर बिठाया था तो वो सिर्फ और सिर्फ थी भवानी, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा सिर पर बिठाती नजर आई थी। हर वक्त पाखी पाखी पत्रलेखा वो करती ही रहती थी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भवानी कुछ नई चीज़ करेगी, क्योंकि भवानी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सई जो है वो अब वापस विराट की ज़िंदगी में आए। क्योंकि आपको याद ही होगा कि सई के कैरेक्टर पर पहले भी भवानी कई बार बड़े सारे तोहमत लगा चुकी है। आपने देखा ही होगा कि जब सभी के बारे में पता चला था कि सभी विराट की बेटी है, तो उस वक्त भी भवानी ने जो है वो बिलीव नहीं किया था और वो बोलती नजर आई कि मैं नहीं मान सकती कि सभी जो है वो विराट की बेटी है। डीएनए टेस्ट तक की भी बात कर दी थी भवानी ने। तो ज़रा सोचिए, आपको क्या लगता है कि भवानी जो है वो इतनी जल्दी सई को जो है वो एंट्री दिलवाने वाली है चौहान हाउस में, और वो भी विराट की ज़िंदगी में? क्योंकि भवानी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होने वाली है कि सत्या और सई का जो रिलेशनशिप है वो बस ऐसे ही है, यानी कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है। क्योंकि असली कहानी तो भवानी को भी नहीं पता, जो कि सिर्फ और सिर्फ अश्विनी और सई ही जानती हैं, और ये बात कोई और नहीं जानता है। तो यहाँ पर जो अश्विनी है वो भी बहुत सारी बातें बताती नज़र आने वाली है कि उसी के कहने पर शायद सई ने ये एक्शन उठाया है, ये जो फैसला लिया था वो सिर्फ और सिर्फ उसके कहने से लिया था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अश्विनी ने साफ साफ कहा था, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रही हो, इसी वजह से विराट तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। एक बार तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगी तो विराट तुम्हारे पास कभी नहीं वापस आएगा, और इसी वजह से ये बात सोच कर सई ने सत्या से शादी कर ली। खैर, इसी के साथ साथ अब ये है कि क्या सत्या जो है वो विलन बन जाएगा? तो आपको बता दें, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि सत्या एक ऐसा इंसान है जो सभी की बहुत मदद करता है। लेकिन क्या उसका कैरेक्टर भी नेगेटिव कर दिया जाएगा? फिलहाल तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि सत्या जो है वो खुद सई और विराट की मदद करने वाला है। इसी के साथ साथ भवानी विलन बन सकती है, ये बात हो सकता है। फिलहाल देखना होगा कि अभी आगे धीरे धीरे सीरियल में कहानी किस तरफ मोड़ लेती है। लेकिन सई और विराट के मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कैसे कब कहाँ ये आप धीरे धीरे एपिसोड से देखते जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।